नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 18वां दिन है। रविवार 21 जनवरी 2018, कणजी माथासर सरदार सरोवर गोरा कॉलोनी नूतन शूलपाणेश्वर मंदिर। हम सुबह 5 बजे उठे। ठंड के दिन है इसलिए अभी बहुत अंधेरा है, मानो अभी आधी रात ही हो। नित्यक्रम के बाद हम सांसु जी के बताए अनुसार दो घर छोड़ उनके घर के पड़ोस के तीसरे घर में गए। यहाँ बोरवेल है तो नहाने हेतु इतने सुबह हमें थोड़ा गर्म पानी मिलेगा। हमने बारी बारी से वहाँ स्नान किया और कमंडल पर लिए। उसके बाद सांसु भगत जी के घर आकर हमारी नित्य पूजा उपासना की। तब तक सांसु जी भी उठ गए थे तथा वे भी हमारे साथ पूजा में शामिल हुए। उसके बाद मैंने और उन्होंने चाय पी। इस दौरान हमने उनसे आगे के मार्ग के विषय में जानकारी ले ली। उन्होंने बताया अब माथासर नामक थोड़ा कठिन मार्ग है, उसके बाद हम ठीक से चले तो शाम तक आराम से गोरा कॉलोनी पहुंच सकते हैं। उनको महसूस होते बुखार के लिए हमने हमारे पास की क्रोसिन की कुछ गोलियां दी तथा उसे लेने के दिशा निर्देश भी दिए। हमारा सामान समेट हमने आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने हमें तिलक किया तथा आगे की यात्रा हेतु शुभकामनाएं दी। एक दिन के छोटे से सहवास से भी कितने भावात्मक रिश्ते जुड़ जाते हैं, ये सब मैया की ही कृपा है। उन्हें भी अभी कुछ देर में नारेश्वर हेतु निकलना है, इसलिए हमने भी अधिक समय ना रुककर उनसे विदा ली। हम दोनों तथा वे दोनों इस वियोग के दुख को परस्पर अनुभव कर रहे थे, पर जाना भी आवश्यक है, इसलिए सभी ने एक स्वर में नर्मदे हर कहा और हम अपनी आगे की परिक्रमा हेतु निकल पड़े। पास ही बने श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर हमने अगरबत्ती लगा पूजन किया और फिर आगे बढ़े। हम आपस में बातें करते जा रहे थे कि कैसे इतने कठिन स्थान पर रहकर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी ये लोग निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के इतना सब क्यों करने लगते हैं। इसमें केवल उस नर्मदा मैया की ही प्रेरणा ही सहायक है। मैया भी हजारों में से किसी एक को ऐसे दायित्व के लिए चुनती है, आदि आदि। इन्हीं सब विचारों के बीच सुबह के उस ठंड भरे वातावरण में हम माथासर की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण जन कहीं जाने हेतु छोटी छोटी जीपों में बैठ रहे हैं, अंदर ही नहीं तो जीप की छत पर भी। हमने सोचा शायद ये सब लोग भी नारेश्वर जा रहे हो। हमने सुबह 7 बजे के करीब चलना शुरू किया है। ये पूरा मार्ग कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क का है जो शायद अभी बन रही है। बीच मार्ग में हमने बहुत दूर से नर्मदा मैया के दर्शन भी किए। गौक्षा के बाद ये पहला अवसर है जब हम नर्मदा मैया को देख पाए। अभी इस जगह से मैया में बहुत अधिक पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे बांध की वजह से ये सारा प्रवाह रुका हुआ है। ये रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा कल ही हमें सांसु जी ने बताया था कि जंगली प्राणियों का भय भी है, पर परिक्रमावासी को भय कैसा, उसके साथ तो साक्षात जगत जननी माँ नर्मदा है। उपरोक्त पंक्ति अतिवाद का प्रतीक नहीं वरन परिक्रमावासी की मैया पर अटूट श्रद्धा के बोल है। घाट का मार्ग काफ़ी थका देने वाला रहा, पर आखिर हम माथासर पहुँच गए। यहाँ से हमने आगे सरदार सरोवर बांध की दिशा में बढ़ना शुरू किया। ऐसे ही घाट मार्ग में अचानक ही रवि जी के घुटने में बहुत जोर का दर्द उठा और उनके लिए एक कदम चलना भी असंभव सा लगने लगा। उन्हें किनारे की एक चट्टान पर बिठा उनके पैर की थोड़ी मालिश मैंने की। ये वही जड़ी बूटियों वाला तेल है जो बीजासन में हमें श्री अनूप जोशी जी ने लाकर दिया था। आज पुनः उसकी आवश्यकता पड़ी। इसके बाद मैंने उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्किट दिए और एक दवाई की गोली। थोड़ी देर वही आराम करने के बाद हमने फिर से चलना शुरू किया। एक बस्ती आ जाने पर वहाँ की एक दुकान से हमने खाने के लिए पाले जी बिस्किट खरीदे तथा 6 केले खरीदे। दुकान चलाने वाली मैया ने हमसे सिर्फ बिस्किट के पैसे लिए। हमारे आग्रह के बाद भी उन्होंने केले के पैसे नहीं लिए। इसके बाद चलते हुए हमने दूर से ही सरदार पटेल की बन रही ऊंची प्रतिमा के पिल्लर देखे। यही से हमने दूर पीछे के विशाल सरदार सरोवर बांध की भी हल्की सी झलक देखी। शूल पाणी के अब तक के इतने अभाव को देखने के बाद 3000 करोड़ रुपये लगाकर इस प्रतिमा को बनाने के पीछे का औचित्य कुछ
समझ नहीं आया। अब पक्की डामर की सड़क मिल गई जो सूलपाणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ती हुई हमें हमारे आज के गंतव्य गोरा कॉलोनी लेकर जाने वाली है। इस सड़क पर कारों और बसों की आवाजाही भी दिखाई दी। हम करीब 3 बजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट से बाहर निकले और बाई ओर चलने लगे। दाई ओर जाने वाला मार्ग हमें सरदार सरोवर बांध लेकर जाता। 3:30 बजे हम गोरा कॉलोनी पहुंचे और मार्ग में एक कार में सवार दंपति ने हमें उनके पास बुला 50 रुपये दक्षिणा स्वरूप दिए। इतने रुपयों की दक्षिणा हमें पहली बार मिली थी तो कुछ अटपटा सा अनुभव हुआ, पर परिक्रमावासी को मिलने वाले पैसे लोग मैया के प्रति उनकी श्रद्धा से देते हैं इसलिए हमने भी ले लिए। उन्हीं से हमने नए सूलपाणेश्वर मंदिर के विषय में पूछताछ की। उन्होंने मार्ग बताया तथा यह भी कि अब बहुत पास ही है। हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहे और करीब 3:45 पर हम मंदिर में आ गए। यहाँ कुछ उत्सव जैसा वातावरण था, कुछ टूरिस्ट बसें और कारें थी तथा बहुत से यात्री। हमने कुछ समय मंदिर प्रांगण में लगे बेंच पर बैठकर थकान मिटाई तथा फिर पैर हाथ धोकर अंदर जाकर शिवपिंडी के दर्शन किए। पुजारी जी ने हमें अंदर तक प्रवेश की अनुमति दी। उसके बाद उन्होंने हमसे सामान्य पूछताछ की तथा रात्रि में यही रुकने हेतु आग्रह भी किया, जो हमने भी खुशी से स्वीकार किया। मंदिर परिसर काफ़ी बड़े भूभाग में फैला हुआ है तथा व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है, पर चाहे जो हो पुरातन मंदिर की अलौकिकता नदारत है और कृत्रिमता की झलक इन सब चकाचौंध के बीच कहीं ना कहीं से अपना आभास करा जाती है। काश हम तथा आने वाली भावी पीढ़ियां उस पुरातन सूलपाणेश्वर मंदिर के दर्शन कर पाती, जो अब करीब करीब सर्वथा असंभव ही है। बाद में मंदिर के पंडित जी ने हमसे कहा कि पहले हम जाकर भंडारे में भोजन कर ले, उसके बाद कुछ और काम करें। हम भी उनके आदेशानुसार जाकर अपना सामान रख भोजन के लिए बैठ गए। हमें शाही भोजन करने हेतु मिला। हमने सोचा यह भी मैया जी के पिताजी का प्रसाद है और सूलपाणी की जाड़ी सकुशल पार करने का पुरस्कार। भोजन में पूरी, आलू गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, जीरा राइस, दाल तथा गाजर का हलवा, ये सारे पदार्थ थे। हमने भरपेट भोजन किया तथा फिर समय बिताने हेतु मंदिर के 5 के बेंच पर बैठ गए। या मोबाइल का नेटवर्क मिल रहा था इसलिए फिर हमने बारी बारी से अपने घरों में हमारे अब तक के प्रवास तथा सकुशल होने की जानकारी उन्हें दे दी। आज करीब 10-12 दिन बाद हम घर पर फोन कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने शाम होती देख स्नान किया, फिर नित्य पूजा की। उसके बाद हम पुनः मंदिर के आसपास टहलते रहे। उसी समय किन्हीं स्वामी जी की बस, जो शायद किसी तरह की धार्मिक यात्रा में थे, आई हुई थी। उन्होंने हमसे हमारे कुशल क्षेम की पूछताछ की तथा हमें किसी भी वस्तु, चादर, कंबल, धोती या अन्य कुछ सामान की आवश्यकता होने पर वो पूर्ति करेंगे, ऐसा मानस भी उन्होंने दिखाया। हमने उन्हें बताया कि हमें मैया की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है तथा हमें केवल आपके आशीर्वाद चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हमें प्रत्येक को 101 रुपये ऐसे दक्षिणा दोनों को दी। उन्हीं के टोली के एक अन्य भक्त ने हमें अतीव श्रद्धा से 501 ऐसे दक्षिणा दी। ये सब हमें बहुत ही अजीब लग रहा था। हमारे बहुत बार मना करने पर भी वो सज्जन नहीं माने तथा हमें आग्रहपूर्वक वो रखने के लिए बाध्य किया। हम भी उनकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे इसलिए मैया की इच्छा मान बेमन से ही हमने वो स्वीकार किए। सूर्यास्त के समय कुछ स्कूली बच्चों की बसें भी वह दर्शन हेतु आई। मुझे कुछ थकान लग रही थी इसलिए मैं जाकर अपने सामान के पास आसन लगा लेट गया तथा रवि जी कुछ समय के लिए मंदिर के पास बैठने हेतु गए। अभी यहाँ महाराष्ट्र के एक वयोवृद्ध परिक्रमावासी भी आ गए थे, जो अपने ही धुन में थे तथा अनवरत बीड़ी सिगरेट के धुएं में कुछ साधना कर रहे थे या ठंड भगाने का प्रयत्न। रवि जी थोड़ी देर में लौट आने का कहकर गए थे, पर जब वो बहुत देर तक नहीं लौटे तो मुझे कुछ चिंता हुई इसलिए मैं उन्हें ढूंढता हुआ निकला। वे मंदिर के 5 के बेंच पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, पर यहाँ आते हुए उन्होंने चिड़ियों के पास गिरकर अपने माथे पर चोट लगवा ली थी। ये देख मुझे उनकी चिंता हुई तथा उन पर कुछ क्रोध भी आया और इसलिए हमारे बीच कुछ तीखी कहासुनी हो गई। इसके बाद हम दोनों वापस आए तथा बहुत देर तक एक दूसरे से बात किए बिना अपने अपने आसन पर लेटे रहे।
अंतर्गतवा दोनों को ही ये मौन अंदर से खाए जा रहा था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से इस अकारण विवाद के लिए माफ़ी मांगी तथा आगे की परिक्रमा के बारे में सोचते हुए आनंदित मन से कल से पुनः मैया के साथ किनारे से चल सकेंगे। इन विचारों की नौका को मैया के जल में प्रवाहित कर शिव जी के सानिध्य में रात 11 बजे नींद की चादर ओढ़ सो लिए। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।